नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी के जितने भी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में होंगे उसको हम देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न है, इसरो ने कहां से G-SAT-30 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह 17 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा, 17 जनवरी 2020 को लॉन्च किया जाएगा और इसका आंसर है फ्रेंच गुयाना। कहाँ से? फ्रेंच गुयाना, ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, तो फ्रेंच गुयाना है। तो इस सैटेलाइट का जो जीवन काल है वो है 15 वर्ष, 15 वर्षों तक यह कार्य करेगा। और ये उपग्रह जो है G-SAT-30, ये उपग्रह DTH और टेलीविजन सेवाओं के लिए एक संचार उपग्रह के रूप में कार्य करेगा। अब बात है यहाँ पे G-SAT-30 का, तो G-SAT-30 का जो फुल फॉर्म है वो होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न 2 है, हाल ही में भारत के डैश को शंघाई सहयोग संगठन के 8वें अजूबों के रूप में शामिल किया गया है, तो कौन सा है? अजंता गुफाएं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, चार मीनार या ताजमहल? तो वो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हाल ही में भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8वें अजूबे के रूप में शामिल कर लिया गया है। इससे पहले शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, शंघाई सहयोग संगठन में 7 अजूबे थे, अब 8 अजूबे हो गए हैं, 8वां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में शामिल कर लिया गया है। SCO के पहले 7 अजूबे थे। अब इसके बाद ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये है कहाँ पर? नर्मदा जिले में। इसकी जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर। और ये किसकी मूर्ति है? ये है प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, अब SCO की बात है, SCO की जो स्थापना है वो 2001 में की गई थी। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है बीजिंग में। कहाँ पर? बीजिंग में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में टीबी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड कार्यक्रम की शुरुआत की गई? यह किया गया केरल में। कहां पर किया गया? केरल में। भारतीय बाल चिकित्सा द्वारा केरल राज्य में 2500 बाल रोग विशेषज्ञों को टीबी चिकित्सक के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि राज्य से टीबी को जड़ से खत्म किया जा सके। ठीक है, तो यह है केरल। केरल की जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1956 में हुई थी और यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और यहाँ की लोकसभा की सीटें कितनी हैं? ये हैं 20 और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं 9। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है केरल के? केरल के सीएम है पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ईरान की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में देश छोड़ने की घोषणा की है? कौन है? वो है कीमिया अलीजा दे। कौन है? कीमिया अलीजा दे। कीमिया अलीजा दे ने देश में अस्थिरता का हवाला देते हुए इन्होंने ये घोषणा की है कि वो देश से अपनी नागरिकता छोड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद 2016 में रियो ओलंपिक में टाइकांडो में ब्रांज पदक विजेता है। इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में टाइकांडो में ब्रांज पदक विजेता है। ये पहली ऐसी ईरानी महिला है जिन्होंने कोई पदक जीता है। ये पहली ऐसी महिला है जो कि कोई पदक विजेता बन है। ठीक है,
तो इसका आंसर नंबर चार है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी देश के भारतीय दूतावास में नियुक्त होने वाले प्रथम सांस्कृतिक राजनयिक कौन बने हैं। प्रथम सांस्कृतिक राजनयिक कौन बने हैं, तो वो बने हैं मोक्षराज सिंह। मोक्षराज पहले ऐसे सांस्कृतिक राजनयिक बने हैं जो भारतीय दूतावास में, ठीक है, इन्हें अमेरिका में भारतीय दूतावास के सांस्कृतिक राजनयिक दूतावास के तौर पर नियुक्त किया गया है। अमेरिका में भारतीय दूतावास में फ्री हिंदी, कौन सा फ्री हिंदी सिखाने के लिए फ्री हिंदी क्लास शुरू किया गया है, जिसमें ये विदेशी नागरिकों को हिंदी सिखाया जाएगा और इसके साथ ही भारतीय संस्कृति के बारे में भी जानकारी दी जाएगी या बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एपी महेश्वरी सीआरपीएफ के किस पद के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एपी महेश्वरी सीआरपीएफ के किस पद के लिए नियुक्त किए गए हैं, तो ये किए गए हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में। ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में, महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। इन्हें राजीव राय भटनागर की जगह नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो सीआरपीएफ के महानिदेशक थे वो थे राजीव राय भटनागर, उनकी जगह नियुक्त किया गया है एपी महेश्वरी को। किनको? एपी महेश्वरी को, ठीक है। ये कब तक रहेंगे एपी महेश्वरी? एपी महेश्वरी रहेंगे फरवरी 2001 तक, 2021 तक। इनको एक साल के लिए नियुक्त किया गया है। अब बात यहां पे सीआरपीएफ की आई है, तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है ये सीआरपीएफ, जो है दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1939 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में, और इसका मोटो उद्देश्य, मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा, सेवा और निष्ठा, ठीक, सेवा और निष्ठा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, द्वीप विकास एजेंसी की छठवीं बैठक कहाँ आयोजित की गई। द्वीप विकास एजेंसी की छठवीं बैठक कहाँ पर की गई, ठीक है, कहाँ पर की गई? नई दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, विशाखापत्तनम। तो ये की गई है नई दिल्ली में। कहाँ पर की गई है? नई दिल्ली में। अब बात आई है द्वीपों की, तो द्वीपों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पर्यटन हेतु समग्र विकास के लिए भारत के 26 राज्य को, 26 द्वीपों को एक पहचान के रूप में दी है, जिनमें इन सभी द्वीपों पर पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा। और ये जो 26 द्वीप हैं, इनमें से 16 अंडमान निकोबार द्वीप के हैं और 10 लक्षद्वीप के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के प्रत्येक वर्ष सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है। भारत के प्रत्येक वर्ष सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 14 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को। इस दिवस की शुरुआत 2017 में की गई थी। कब की गई थी? 2017 में की गई थी। इस तरह से इस वर्ष इसका चौथा दिवस मनाया जा रहा है। हाँ, तो यह दिवस क्यों मनाया जाता है ये जान लेते हैं। भारत के प्रथम सेना प्रमुख थे, कौन थे? के एम करियप्पा जो थे, भारत के प्रथम ऐसे सेना प्रमुख थे। वे 14 जनवरी 1953 को पद से रिटायर हो गए थे। इसीलिए हर वर्ष 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक घंटे तक नॉनस्टॉप नी स्ट्राइक मारकर ताइक्वांडो में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये किन्होंने बनाया है? ये बनाया है आसमान तनेजा ने।
किसने बनाया है? आसमान तनेजा ने। इन्होंने 1 घंटे में 1200 से अधिक बार, 1 घंटे में 1200 से अधिक बार नी स्ट्राइक मारी है, ठीक है। और आसमान तनेजा जो है वो यूएसए वर्ल्ड ताइक्वांडो रजत पदक विजेता भी रह चुके हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तेलंगाना से। कहाँ से? तेलंगाना से। तेलंगाना कहाँ? हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बारी है वन लाइनर की, ठीक है। किस देश के जहाज इचिगो चेन्नई पहुंचा है? ये पहुंचा है जापान के, ठीक है। अब जापान की बात आई है तो जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। जापान की मुद्रा है येन। और जापान के जो पीएम है वो है शिंजो अबे। कौन है? शिंजो अबे। नेक्स्ट देखते हैं, किसने मलेशिया मास्टर 2020 का खिताब जीता है? वो जीता है केंटो मोमोटा ने। किन्होंने जीता है? केंटो मोमोटा ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई ने नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? वो किया है माइकल देव पात्रा को। किसे? माइकल देव पात्रा को। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका ने किस देश को मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटा दिया है? वो है चीन। किस देश को हटाया है? चीन। चीन की बात आई है तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन की जो करेंसी है वो क्या है? रेनमिंबी, ठीक है, रेनमिंबी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने ब्लैक मली पर निगरानी करने के लिए 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है? वो किया है आईटी विभाग ने। आईटी मतलब इनकम टैक्स विभाग ने। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऐसे बताने लायक है कि द्वीप विकास एजेंसी की 6वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? वो की गई है नई दिल्ली में। और एक प्रश्न, किसने भारतीय नौसेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल तैयार किया है? तो किया है किसने? IOCL ने। किन्होंने किया है? IOCL ने, ठीक है। IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।